सोलन महिला थाना शहर की महिलाओं और युवतियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। महिलाएं जो पहले पुलिस थाना जाने में संकोच करती थी, वे अब बेखौफ होकर महिला पुलिस थाना जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं। महिला थाना अधिकारी भी उनकी समस्याओं को तुरंत हल करने का प्रयास करते हैं। यही वजह है कि महिला थाने पर महिलाओं का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और वे अपने दिल के बाद दिल खोलकर महिला अधिकारी के समक्ष रख सकती हैं। ये जानकारी महिला थाना में तैनात इंस्पेक्टर सुनीता वर्मा ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस थाने को करीबन 3 वर्ष पहले खोला गया था और अभी तक 550 शिकायतें इस महिला पुलिस थाने में दर्ज की गई हैं। इंस्पेक्टर सुनीता वर्मा ने बताया कि 2018 में 75 महिलाओं ने शिकायतें दर्ज करवाई थी, वहीं 2019 में 318 शिकायतें दर्ज करवाई गई, जिसमें से 62 मामलों में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 2020 में अभी तक 151 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें से 35 मामलों में FIR दर्ज की जा चुकी है। सुनीता ने बताया कि इस थाने के माध्यम से जहां एक और महिलाओं की शिकायतों को सुना जाता है, वहीं महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस थाने में महिलाएं बिना झिझक आती हैं और अपनी बात उनके समक्ष रखती हैं। अगर संगीन जुर्म हो तो मामला तुरंत दर्ज कर लिया जाता है और अगर पति पत्नी के अनबन को लेकर शिकायत आती है तो उसमें मध्यस्थता करके उसे सुलझाने का प्रयास भी किया जाता है। ये जो हमारा थाना है, महिला पुलिस थाना, 21 अक्टूबर 2018 से इनॉग्रेशन इसकी हुई है। 21 अक्टूबर 2018 से ये थाना शुरू हुआ है और हम बेसिकली जो महिला थाने में है, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, हम बेसिकली बच्चों और महिलाओं से उसी को हम डील कर रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2018 से, जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर 21 से हमने शुरू किया है, तो 18 में महिलाओं से संबंधित जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कंप्लेंट है, हमने 75 जो कंप्लेंट हमने फाइल की है। उसके अलावा जो केस है महिलाओं से संबंधित जो सेक्सुअल अब्यूज़ है और 498 है और किडनैपिंग एबडक्शन के जो केस है, हमने वो रजिस्टर किए हैं। और 2019 में है जो है टोटल नंबर ऑफ FIR जो हमने दी है 62 है उसका आंकड़ा, जिसमें सभी तरह के जो अपराध महिलाओं के प्रति हुए हैं हमने उनको दर्ज किया है, जिसमें सेक्सुअल अब्यूज़, IT एक्ट, ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन और रेप केसेस, पोक्सो एक्ट में जो केस दर्ज होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सभी हमने दर्ज किए हैं। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट्स की बात करें तो हमने टोटल 318 कंप्लेंट्स वर्ष 2019 में हमने डील की है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं जिनका हमने घर बसाने की कोशिश की है और उनके घर बसे हैं, जिसमें दोनों पार्टियों का समझौता होकर वो घर अपने वापस गई हैं। इसके अलावा वर्ष 2020 जो ये चालू वर्ष है, इसमें हमने अभी तक जो है 151 कंप्लेंट्स जो है हमने अभी डील करी है और हमने अभी 35 केस जो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्राइम के हेड है उन सब में हमने FIR दर्ज की है। इसके अलावा जो हमारी महिलाओं के प्रति जो उनके अधिकारों के प्रति हम जो उनको अवेयर कर रहे हैं और जो बहुत सारी हेल्पलाइन भी है जिनके माध्यम से वो हम तक पहुंच सकती है, अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी बच्चियां, बहुत सी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियां अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके भी यहां आती हैं, डिस्कस करती हैं, चाहे उसमें केस रजिस्टर है नहीं है, वो पर्सनली भी हमसे राय लेती है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी ख्याल जितना हम तक अप्रोच करती हैं महिलाएं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा महिला थाना खुलने के बाद हुआ है।